नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी में एक और शिवलिंग मिल गया है। काशी विश्वनाथ के मंदिर के महंत ने ये दावा किया है। उनका ये कहना कि वहां पर एक नहीं, दो नहीं, कई और शिवलिंग हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि ज्ञानवापी के भूतल में एक और शिवलिंग है और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी पूजा होनी चाहिए, इसके लिए इजाज़त मिलनी चाहिए। और इसकी इजाज़त के लिए उन्होंने एक याचिका दायर की है। बहुत सारी बातें आ रही हैं, ऑलरेडी बहुत सारे इसमें कोर्ट में अर्जियां हैं। और इसी बीच वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के बाद से बहुत सारे दावे भी सामने आने लगे हैं। कोर्ट में पेश की गई सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के कई जज करेंगे। अब इस मामले में आगे की सुनवाई, पहले काशी विश्वनाथ मंदिर ने जो बड़ा दावा कर दिया है उसकी भी सुनवाई होगी। और उनका ये कहना है कि मस्जिद के भूतल में एक और शिवलिंग है। सोमवार से अदालत की सुनवाई होने वाली है। वाराणसी जिला अदालत में 4 याचिकाएं ऑलरेडी हैं जिन पर सुनवाई होनी है। और परिसर के आदेश के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जिला जज को 8 सप्ताह में ज्ञानवापी विवाद पर अपना फैसला देना है। इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने यह दावा कर दिया है कि यहाँ एक और शिवलिंग है। उन्होंने 164 साल पुरानी एक तस्वीर भी दिखाई है और कहा है कि नंदी भगवान के पास देखिए लोग बैठे हुए हैं, और उनके पास लोग बैठा करते थे, इसके पास ही एक दरवाजा था जहाँ शिवलिंग है, ये भूतल में है। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने ये मांग कर दी है कि शिवलिंग की पूजा पाठ की इजाजत मिलनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि महंत का दायित्व है, ये वो कह रहे हैं कि महंत का दायित्व है कि शिवलिंग की पूजा करें। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ नीचे शिवलिंग है, नीचे के शिवलिंग का पूजा पाठ 1992 से बंद है, उसे शुरू करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, ये वो महंत कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि श्रद्धालुओं को जाने की इजाज़त मिले, लेकिन हमें पूजा की परमिशन मिलनी चाहिए, जिसके लिए मैं याचिका दाखिल कर रहा हूँ। और इस मामले में बनारस के मुफ्ती अब्दुल्ला बातिन नोमनी ने ये कहा है कि शिवलिंग नहीं है, ये फवारा है और फवारा ही था और ये इस्तेमाल में आ रहा था। आज भी उस फवारे को देखने के लिए जिन लोगों ने इसको देखा है वो लोग मौजूद हैं, ये गवाही दे सकते हैं। इस सर्वे में शामिल फोटोग्राफर ने भी कहा है कि जो कुआं था वह वजू खाने में डूबा हुआ था, ऐसे में वहाँ फवारा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा फवारा होगा जो 1 फीट से ज़्यादा पानी में डूबा और फिर उस पर पानी फेंक सके? ये एक टेक्निकल सवाल है फोटोग्राफर का। और अब मंदिर के महंत ने ये याचिका दायर कर दी है, जाहिर है इसको भी उन 4 याचिकाओं में शामिल किया जाएगा। क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, जो उस दौर के लोग हैं उनके भी दावे झुटलाए नहीं जा सकते। और आज ये जो एक नई बात आई है, इसमें महंत ने एक फोटो भी उसका दिखाया है और ये कहा है कि इस दावे को आप कैसे झुटला सकते हैं कि यहाँ नंदी के पास लोग बैठा करते थे। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहे। एक और बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।